नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनको आप बहुत ही आसानी से आप अपने गार्डन में या फिर घर के अंदर भी लगा सकते हैं। वैसे जितने भी प्लांट्स मैं बताने वाली हूँ वो इंडोर प्लांट्स ही होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको ज़्यादा केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही धूप की, ना पानी की, ना ही स्पेशल सॉइल की। और लगाने की बात करूँ तो आपके पास अगर वेस्टेज पड़े हैं उनको भी हैंग बना के आप लगा सकते हैं, या फिर पॉट है तो सबसे अच्छी बात है कि पॉट में भी लगा सकते हैं। तो कौन कौन से फ्रेंड्स प्लांट हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हैंगिंग प्लांट के अगर मैं बात करूँ तो वो है चार्ली क्रीपर। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से ग्रीन ग्रीन रहती हैं। अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो कटिंग से आसानी से लग जाएगी इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा हैंग करती, बहुत लॉन्ग हो जाती हैं, कम से कम 2 या 3 फीट की हो ही जाती हैं अगर इनको हम शेडी पैलेस में रखते हैं। इस टाइम पर इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है, छोटी सी कटिंग लेके लगा देंगे तो आसानी से लग जाएंगे। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा। और इनकी जो पत्तियाँ होती कुछ इस तरीके से मिंट जैसी होती, फ्रेश फ्रेश, तो आप इनको लगाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारा हैंगिंग प्लांट है वो फ्रेंड्स पर्पल हार्ट, बहुत ही खूबसूरत लगता है, हैंगिंग बास्केट में लगे हुए होते हैं। तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग इस तरीके से इनकी स्टेम्स हो जाती हैं। अगर हम कट नहीं करते हैं तो फिलहाल ये ऊपर की तरफ जाती है इस तरीके से, अगर नीचे करना चाहते हैं तो इनको टाइम टाइम से प्रून करते रहें, और हो भी जाती ज़्यादा लेगी हो जाती तो नीचे की तरफ ही झुक जाती। फिलहाल इनको मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, और मैं दिखा दूँ जो मैंने पॉट में लगाया हैंगिंग बास्केट में, यानी कि लगाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से दिखती, देख सकते हैं ये हैंग कर रही है और भी बहुत ही ज़्यादा घना हो गया आप देख सकते हैं। और फिलहाल अच्छी लगती है हैंग किए हुए, तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा हैंगिंग बास्केट में। कटिंग से लग जाती, छोटी से छोटी कटिंग अगर लगाएंगे तो इजीली ये लगी जाती है, जिसके मैंने भी दिखाया है आप लोगों को कि कैसे लगा हुआ है। तो आप इनको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत ही कम केयर में शेडी पैलेस में रखेंगे तो आराम से आपका प्लांट चलता रहेगा सालों साल। नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ फ्रेंड्स तो वो है हमारा, ये डंकी एयर बोलते हैं, और बहुत ही मतलब हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से जगह जगह से स्प्राउटिंग होती रहती है, न्यू प्लांट्स बने रहते हैं, तो कहीं भी गिर जाते हैं तो अपने आप ढेरों सारे प्लांट्स बना लेते हैं, देख सकते हो इस तरीके से। कभी कभी तो ऐसा होता है पूरी पत्तियों में एक लेयर सी बन जाती है, जिनसे इनके जो पौधे होते हैं उड़ के गमलों में पड़ जाते हैं और ढेरों सारे प्लांट बना लेते हैं। तो आप इनको भी हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत और देखने वाले इस तरीके से हैंगिंग प्लांट है, और एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर लगाना चाहते हैं तो इनको लगा लीजिएगा, इनको डंकी एयर बोल नाम से जाना जाता है, बनी एयर भी आते हैं, बट ये वाला जो प्लांट आता है इसके 1000 ऑफ मदर्स के नाम से जाना जाता है। तो मतलब इनका जो प्लांट होता है छोटी छोटी पत्तियों इस तरीके से दिखा दो में निकलते रहते हैं, जगह जगह उनके ढेरों सारे मतलब 1000 प्लांट्स बना लेते हैं, इसी वजह से इनका 1000 प्लांट नाम दिया गया है। तो इनको भी अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे से निकलते रहते हैं खुद ब खुद, तो लगा सकते हैं और अलग सा ग्रीनरी हमारे गार्डन में ऐड करता है, तो इनको भी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा हैंगिंग प्लांट्स है वो है रियो का प्लांट, इनको भी हम हैंग कर सकते हैं, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, बट हैंग वाले प्लांट में ही आते हैं। आप इनको लगाएंगे तो अलग सा लुक नज़र आता है गार्डन में, और पर्पल पिंक और ग्रीन इनकी वेरिएशन होती है लीफ की, तो इनको आप ज़रूर लगाइएगा। कटिंग से आसानी से लग जाएगी और इनसे ढेर सारे डिवाइड करके आप प्लांट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्रेंड्स पैंडानस, ये स्पाइडर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है, और इनकी जो नुकीली पत्तियाँ होती हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इनको भी आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, इनको भी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे से दिखने वाले खूबसूरत वेरीगेटेड वाले हैंगिंग प्लांट्स में आते हैं, तो इनको हैंगिंग बास्केट में लगाना मत भूलना। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स हमारा टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट कुछ इस तरीके से हैंग करते हैं, आप देख सकते हैं इनकी कम से कम 1 या 1.5 फीट तो होगी
हाइट, तो इनको दरअसल पानी नहीं मिला था क्योंकि छज्जे के नीचे बारिश का पानी नहीं मिला, इसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई है। बट प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है इस तरीके से, तो इनको हैंगिंग बास्केट के लिए ही अक्सर माना जाता है। तो हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए छोटी सी कटिंग आप लेके लगा दोगे तो आसानी से लग जाएगी। तो टेंगल हार्ट को भी लगा दीजिएगा, ज़्यादा धूप ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको लगाना बिल्कुल भी भूलना। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये फ्रेंड्स हमारा फॉक्सटेल फन, यानी कि इनको एस्पगेरस के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉक्सटेल फन की वैरायटी में ही आते हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां इस तरीके से छोटी ही रहती हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो इनको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं हैंगिंग बास्केट में। फिलहाल हैंगिंग बास्केट के लिए होता है, अगर छोटे से पॉट में भी लगाना चाहते हैं तो आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है फ्रेंड्स टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी हैंगिंग बास्केट में आते हैं इस तरीके से। लॉन्ग लॉन्ग इनकी जो लताएं होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप इनको इंडोर लगा सकते हैं, कम जगह है तब भी आसानी से चल जाएंगे। तो टर्टल वाइन को आप लगा सकते हैं। इनकी वैरायटी बता दूँ तो फेरीगेटेड भी आती है, ग्रीन वाली भी आती है, ये वाली अक्सर देखने को मिलती है, तो इनको आप ज़रूर लगाइए। एक बार गार्डन में ले आएंगे तब ये गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले, इनकी छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है, तो टर्टल वाइन को भी लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये स्वीट पोटैटो वाइन वेरीगेटेड वाले हैं, बहुत ही अच्छे से ये चल रहे हैं अभी बारिश का टाइम है, तो इनको आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट के लिए तो बेस्ट ऑप्शन इन्हें माना गया है स्वीट पोटैटो वाइन, तो इनको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। वेरीगेटेड वाले हैं, अभी कलर आप थोड़ा सा देख सकते हैं डल हुआ है, लेकिन जब इनको आप उसमें गर्मियों में देखेंगे तो सर्दियों में सॉरी देखेंगे तो कलर कुछ अलग सा ही पर्पल और ग्रीन की वेरीगेशन रहती है, तो इनको भी आपको कहीं भी छोटी छोटी कटिंग मिल जाती है तो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा स्वीट पोटैटो वाइन को। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है, नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो है हमारा वांडरिंग ज्यू, बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का ये खिलने वाला प्लांट, सॉरी खिलने वाला नहीं, इसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट में लाते हैं। और फ्रेंड्स इनको हम इंडोर या सेडी पैलेस में कहीं भी लगा देंगे तो आराम से चल जाएगा। ऐसा होता है ना कि इनको धूप की ज़रूरत होती है कुछ पौधों को, तो धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस टाइम पे लगा लीजिएगा, बहुत ही आसानी से लग जाने वाला वांडरिंग ज्यू होता है। छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है इसमें, जगह जगह से इस तरीके से एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं, तो इनको लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर लगाना है तो अभी कहीं से भी इनकी कटिंग छोटी सी मिल जाती है, एक बार ऐड कर लोगे आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। और इनकी वैरायटी कलर बता दूँ फ्रेंड्स, तो इनके कलर पिंक और ग्रीन में भी आते हैं, ये वाला देख ही रहे हो पर्पल। और फ्रेंड्स आप जो ये प्लांट्स देख रहे हैं ये हमारा अजवाइन का प्लांट है, तो इनको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, छोटी से छोटी कटिंग इनकी आसानी से लग जाती है। और ये भी फ्रेंड्स सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको भी ज़्यादा केयर और धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेडी पैलेस में लगा देंगे तब भी आराम से ये चल जाएगा, तो इनको भी लगाना मत भूलिएगा हैंगिंग बास्केट में। नेक्स्ट प्लांट की फ्रेंड्स बात करूँ तो वो है हमारा नियोन पोथोस, यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला मनी प्लांट की वैरायटी से आता है। वेरीगेटेड लीव्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगे। तो ये मेरे यहाँ पे गार्डन ग्राउंड पे लगा हुआ था, नींबू का पेड़ उसी पर हैंग किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इनको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, अलग सा कलर देखने को मिल जाता है, मनी प्लांट की वैरायटी ही है। आपके पास कोई भी मनी प्लांट की वैरायटी आप उनको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, तो इनको भी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट की भी एक वैरायटी है फ्रेंड्स, और वेरीगेटेड वाले हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में भी एक प्लांट शेयर किया हुआ था, फिलहाल फ्रेंड्स वो था हमारा एंड पेंडेनस का प्लांट था। तो ये मतलब दो तीन वैरायटी होती है स्पाइडर प्लांट की, उनको हम डिवाइड करके लगा सकते हैं, कटिंग से तो फिलहाल नहीं लगती है। छोटे छोटे इसमें से रनर्स बनते हैं तो उनको हम लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट माना जाता है। इनको भी ज़्यादा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ज़्यादा पानी धूप या फिर फर्टिलाइजर की। ये भी एक वैरायटी है हमारे स्पाइडर प्लांट की, तो इनको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं अपने घर की खूबसूरती। खास करके ये सेडी पैलेस वाले में चलने वाले हैंगिंग बास्केट हैं सारे के सारे, तो इनको भी ज़रूर ऐड करिएगा। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी एंड हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ ऐसे प्लांट जिनको हैंगिंग बास्केट में हम अभी इस टाइम पर लगा सकते हैं, तो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो न्यू प्लांट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।